मैं बार बार कह रहा हूं यदि जनता का कर्जा माफ कर दिया गया सरकार एक बार यह निर्णय ले ले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत विश्व शक्ति बन जाएगा भारत सुपर पावर बन जाएगा भारत महाशक्ति बन जाएगा यदि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो केवल एक एक बाधा आ रही है वो एक कर्जा है एक बार जनता को कर्जा मुक्त कर दो फिर आप देखना भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होगी और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे अपने तर्क हैं और मेरे तर्क को आप बताइए अगर आपके पास कोई लगे कि मेरा तर्क ठीक नहीं है आप जवाब दीजिए आप कमेंट करिए मेरी टीम मैं जवाब दूंगा मैं बताऊंगा मेरे तर्क कैसे सही है सबसे पहला तो जनता की कर्जा माफी से सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला जी हाँ मैंने बार बार कहा है सरकार के पास ऑलरेडी जितना पैसा कर्जा माफी के लिए चाहिए उससे ज्यादा पैसा सरप्लस है ऐसा अनकाउंटेड मनी बहुत सारा पड़ा हुआ है अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज में पड़ा हुआ है बैंकों में पड़ा हुआ है जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए यूज कर लिया जाता है तो आम जनता के लिए भी दो ढाई लाख तीन लाख करोड़ रुपए यूज कर लो और एक बार सोचो तो सही व्यक्ति का कर्जा उतर गया या उसे कर्जा नहीं भरना दो साल का समय मिल गया मेंटल पीस आ गया अब उसका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना ग्रोथ करना तरक्की करना आगे बढ़ना है अगर सभी लोग करोड़ से ज्यादा व्यापारी जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं वो सभी सभी लोगों का मेंटल पीस आ जाए उन सभी के दिमाग से प्रेशर हट जाए तो सोचिए वो कितना बिजनेस को ग्रो कर लेंगे अगर हर व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रो करेगा साल में डबल ट्रिपल अपनी ग्रोथ कर सकता है और उसके बाद कमा करके कर्जा भी दे सकता है वापस अगर मांगना है और दो साल का समय मिलेगा दो साल में भारतीय बूम कर जाएगी सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा अगर एक व्यक्ति के यहाँ पर एक बिजनेसमैन हाँ दस लोग नौकरी कर रहे हैं अगर वो व्यक्ति अपना व्यापार तीन गुना करेगा तो वहां पर तीन गुना चाहिए होगा अगर एक करोड़ लोग भी ऐसा करेंगे तो सोचिए दस पंद्रह नए रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे और जब इतना रोजगार होगा इतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी इतने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे और भारत की इकोनॉमी कितना बूम कर जाएगी कितनी ग्रोथ हो जाएगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मैंने कैलकुलेट किया है यदि कर्जा माफ कर दिया जाए सरकार पर कोई बढ़ना नहीं पड़ेगा बैंकों पर कोई बढ़ा नहीं पड़ेगा साहूकारों पर कोई बढ़ा नहीं पड़ेगा और देश की इकोनॉमी गुना बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा लोगों के हाथ में पैसा होगा अभी समस्या क्या आ रही है जो लोग लोन नहीं चुका पा रहे उनकी तो समस्या है ही जो लोग कैसे जैसे तैसे करके किस्त दे पा रहे हैं लोन चुका पा रहे हैं उनकी समस्या इतनी गंभीर है वो किसके लिए कमा रहे हैं

जो पैसा किस्त में जाना है ब्याज में जाना है वो सारा बच जाए तो वो सारा व्यापार में लगने लग जाए तो व्यापार की तरक्की अपने आप हो जाएगी और देश का व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होता है अगर हमने व्यापारी को खड़ा कर दिया व्यापारी के व्यापार को खड़ा कर दिया देश की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती क्यूं? क्यूं हम क्यों क्यों हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बने पहले नंबर की क्यों नहीं मेरा मानना यह है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की क्षमता है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है बशर्ते सरकार ये निर्णय ले और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा करके देखो क्या होगा यही तो होगा नहीं होगा लेकिन हो गया तो एक ऑप्शन तो एक विकल्प तो है और मैं कह रहा हूं अगर आपको लगे निर्णय गलत था तो इसमें जो भी नतीजे आएंगे मैं मैं भुगतने को तैयार हूं हूं जो सजा मुझे देना चाहे दे दे सकते हैं मैं लिख कर दे सकता हूं। अगर जनता का का कर्जा माफ कर दिया गया लोगों मेंटल पीस बढ़ेगा और जब लोग सुकून से रहेंगे तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनके पास पैसा आएगा परचेस पार बढ़ेगी परचेस पार बढ़ेगी तो वह नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे देश में बेरोजगारी समाप्त होगी और सरकार को मिलने वाला टैक्स भी बढ़ेगा क्योंकि जब व्यापार चार गुना होगा तो व्यापार से मिलने वाला टैक्स भी चार गुना होगा सरकार का भी फायदा है बैंकों का भी फायदा है एनडीएफसी का भी फायदा है साहूकारों का भी फायदा है जनता की कर्जा माफी किसी के खिलाफ नहीं है यह राष्ट्र हित में लिया गया सबसे बड़ा निर्णय होगा बैंक करप्ट नहीं होने वाला है क्योंकि जब कर्जा माफ होता है तो जिस बैंक का पैसा होता है सरकार उसको पैसा मुहैया करा देती है जिस साहूकार का होता है सरकार उसको मुहैया करा देती है जिस एमबीएफसी का होता है सरकार उसको पैसा दे देती है और सरकार के पास देने के लिए पैसा है सरकार को कहीं से पैसा लेना नहीं है कोई योजना को रोकना नहीं है कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए होगा जो सरकार के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है जो अलग अलग सरकारी कंपनियों में पैसा पड़ा हुआ है जो इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा पड़ा हुआ है जो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है उसका उपयोग किया जा सकता

हर महीने ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों का कर्जा उतर जाएगा और सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर वन अर्थव्यवस्था बन जाएगी अब अभी सरकार के ऊपर है कि वर्तमान सरकार अगर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की नंबर वन बन अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है उसे निर्णय लेना चाहिए और जो भी सरकार निर्णय लेगी मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाएगी